So, as you know, जो सेकंड सेकंड राउंड फोर का रिजल्ट आ चुका है, ये बात आपको पता भी होगी और आपने रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा। यहाँ मैं अपडेट देने नहीं आऊँ, पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ कि आगे कैसे चीजें चेंज होने वाली है, क्योंकि अब राउंड फोर तक हम आ चुके हैं। अब सीरियसनेस बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अब काउंसलिंग एंड होने वाली है बहुत जल्द और आपके जो कॉलेज है वो स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। इसलिए आईआईटी एनआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ सचदेवा, फर्स्ट ईयर आईटी स्टूडेंट, सून टर्न इनटू माय सेकंड ईयर एट डेल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डीटीयू। सो पहले शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, उसके आएंगे। सो अगर आपको राउंड वन टू या थ्री में कोई भी सीट मिल चुकी है, आपने फी पे कर दी होगी, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई करवा लिए होंगे, अपना फ्लोट या सेलेक्ट करो। आप अभी एक दो राउंड आपको और कुछ नहीं करना, फिर इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आने वाली है, इसलिए वो बताने वाले हैं, जैसे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है, वो आगे वीडियो में आएगी। तो अगर आपको राउंड फोर में पहली बार कोई सीट मिली है, तो आपको पहले फीस पे करनी है और डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई करवाने हैं। ऑनलाइन जो जो चीजें दी होंगी, जैसे सर्टिफिकेट क्लास 10 12th का और भी आपके जेईई मेन का जे एडवांस का रिजल्ट वगैरह, ये सारी चीजें होगी वो आपको दिख जाएगी वहाँ पर। आपको बस अपने पीडीएफ बना के उस फॉर्मेट में आपको अपलोड कर देना, ठीक है। अब आपको शेड्यूल में बताता हूँ, वैसे तो शेड्यूल मैंने बहुत इन डिटेल बताया हुआ उस वीडियो में, वो जाके देख लो एक बार, 10-15 मिनट के थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो अपने लिए। कुछ 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 गलत नहीं होना चाहिए बेसिकली, 10 मिनट 15 मिनट आपके चले भी हैं, आपको सारे इन डिटेल पता चल जाएगा, वो वीडियो जरूर देख लेना अगर आपने पहली बार आपको कोई सीट मिली है। नहीं तो ब्रीफ में बट ब्रीफ में मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर बता देता हूँ कि सबसे पहले चीज, जैसे कि आपको पता है कल आपका रिजल्ट आया है, तो 15 जुलाई तक आपको अपने फी पे करनी है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने, जैसे कि वेबसाइट पे ही अपलोड करने, कहीं और नहीं करने। और आपको 16 जुलाई तक कोई भी अगर फीस में इशू होगा तो वो आपको बताया जाएगा, या फिर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपके गलत होंगे या कुछ भी परेशानी होगी डॉक्यूमेंट में, वो आपको 16 जुलाई को ही बताया जाएगा। और आपको तभी फटाफट रिस्पॉन्ड करके नई चीजें बतानी है, मतलब जो जो आपका डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हुआ, कुछ कुछ जो भी डिस्क्रिपेंसी वो बताएंगे, वो आपको सॉर्ट आउट करके आपको 16 तक ही देनी होगी। और अगर आपको अभी तक कोई सीट नहीं मिली, तब भी परेशान नहीं होना, आपको अभी एक दो राउंड और है, फिर सीसेप के राउंड होंगे, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अपने लगे रहो एंड तक। अब बात कर लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। तो बेसिकली ये लास्ट राउंड है आपके आईआईटी से विड्रॉ करना चाहो उसके लिए, एनआईटी से विड्रॉ करना चाहोगे आपको बाद में भी विड्रॉ करने का ऑप्शन आ जाएगा अगले राउंड के बाद। अगर आपको आईआईटी से विड्रॉ करना है, आपको कोई आईआईटी में सीट मिल चुकी है, आपको वो नहीं चाहिए, तो विड्रॉ कर लेना। और आपको वो कब करना है, 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में ही आपको विड्रॉ करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो जे 2025 टारगेट कर रहे हो और आपको अगले साल आईआईटी में जाना है, आपको अभी आईआईटी में कोई सीट मिली है, कोई लोअर आईआईटी में कहीं पर भी आपको आईआईटी में सीट मिली, आपको चाहते हो कि नहीं इससे अच्छा मैं, मेरा पोटेंशियल है, मेरे को और अच्छी सीट मिल सकती है, मैं दोबारा आईआईटी के लिए मेहनत करूंगा और मुझे और अच्छी सीट मिल जाएगी, तो आपको अभी विड्रॉ करना जरूरी है। अगर आपने विड्रॉ नहीं करें तो आपके पैसे भी वेस्ट होंगे और अगली बार आपको आईआईटी में बैठने नहीं दिया जाएगा, चाहे आपकी ईयर वन आई हो या ईयर वन आई हो, तब भी आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जोसा वालों ने और जे एडवांस वालों ने स्पेशली मेंशन करा हुआ कि अगर आप विड्रॉ नहीं कर रहे तो आप अपने पैसे भी बर्बाद कर रहे हो, यहाँ पर आईआईटी एक सीट भी बर्बाद कर रहे हो, तो ऐसे स्टूडेंट को वो बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे जो आईआईटी की सीट बर्बाद करते हैं। तो अगर फिर बता रहा हूँ, अगर आपको जेई 2025 में आपको आईआईटी के लिए पढ़ना है, आप उसके लिए ड्रॉप ले रहे हो और आईआईटी में जाना है, तो अगर आपको कोई भी सीट अभी मिली है आईआईटी में, वो विड्रॉ कर देना याद से, ठीक है। और विड्रॉ जैसे कि मैंने बताया 10 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में ही आप विड्रॉ कर सकते हो, 16 तक अगर कोई भी क्वेरी या डिस्क्रिपेंसी आएगी वो आपको बता देंगे, वो आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको था। अब कुछ कुछ बातें मैं बता देता हूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि राउंड थ्री का जो रिजल्ट आया वो सेम था राउंड टू के, एक्जैक्टली सेम तब भी नहीं था, कुछ कुछ चेंजेस थे बट काफी हद तक सेम था। वो क्यों? क्योंकि कुछ कुछ काफी लोगों ने विड्रॉ नहीं करा, अब विड्रॉ भी करेंगे ये, अब देखना इसके बाद ना जंप आएगा। अभी राउंड फोर में भी कुछ तो जंप आया होगा, मैंने अभी तक राउंड फोर के कट ऑफ नहीं देखे। क्यों जंप आया होगा? जैसे बिट्स की रजिस्ट्रेशन शुरू, बिट्स की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, उस वजह से काफी लोग बिट्स में चले गए आईआईटी वाले, वो चेंज आया होगा। कुछ कुछ दूसरी काउंसलिंग में चले गए, उस वजह से चेंज आया होगा। या फिर कुछ कुछ विड्रॉ कर चुके होंगे या अभी विड्रॉ करने वाले होंगे, खासकर राउंड फोर से फाइव में बहुत ज्यादा जंप आने वाला है। हायर आईआईटी में नहीं कहूंगा बट लोअर आईआईटी या लोअर एनआईटी में जरूर बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, बहुत ज्यादा मार्क्स का, बहुत ज्यादा रैंक का जंप होगा। इसलिए आप एंड तक बने रहो, आपको अच्छी चीज मिल ही जाएगी अल्टीमेटली, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना किसी भी सिचुएशन में, अपने बेफालतू टेंशन लेकर कुछ नहीं करना, अपना बस इंतजार करो कि आपको क्या बेस्ट मिल सकता है, फ्लोट स्लाइड करके रखते रहना, ठीक है। और हाँ, जिसको अभी सीट मिली है या फिर किसी भी राउंड में सीट मिली, चाहे इस राउंड में या चाहे पहले, आपको फ्लोट या स्लाइड करना। फ्रीज का मतलब यही होता है कि आपको यही जो सीट मिल चुकी है आपको वही रखनी है, आपको इससे अच्छी वाली सीट अगर मिल भी सकती है तब आपको नहीं चाहिए। फ्लोट में ये होता है इससे अच्छी वाली कोई भी सीट अगर मिल सकती है वो चाहिए, स्लाइड में ये होता है इससे अच्छी वाली ऑप्शन जो भी आपने भरी है उसमें जो जो सेम कॉलेज वाले हैं वो आपको मिल जाए अगर आप स्लाइड ऑप्ट करते हो, ठीक है। ये आपको बेसिक बेसिक समझाते हैं, अगर आपको इन डिटेल जाना फुल प्रोसीजर वाली वीडियो है, उसमें मैंने फ्री स्लॉट सारी इन डिटेल मैंने आपको बताया, वो जाके देख लेना, ठीक है। आगे क्या करना है, अब जैसे मान लो राउंड फर्स्ट तक आपने इंतजार करा, एक और राउंड आपने इंतजार कर लिया, अब इसके बाद आपको आईआईटीज की क्लासेस शुरू हो जाएगी, ओरिएंटेशन वगैरह शुरू हो जाएंगे। सो आपको पहले तो फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाना है, रिपोर्टिंग का शेड्यूल आ चुका है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने, आपका कब ओरिएंटेशन का क्या शेड्यूल है, उसके लिए एक वीडियो आने वाली है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर आईआईटीज एंड एनआईटीज, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, एक अलग वीडियो आने वाली है, 2-4 दिन मुझे दो, थोड़ा मैं आपको शूट करके फटाफट एडिट करके दे देता हूँ वो वीडियो, उसमें मैंने डिटेल सारा बता दूंगा कि कैसे आपको करवाना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, क्योंकि डॉक्यूमेंट कुछ भी आप भूल गए तो बहुत परेशानी होगी, आपकी सीट कैंसिल ना हो जाए, ये बहुत ध्यान रख के चलना। सो कुछ भी गलती नहीं करनी, लास्ट स्टेप है वो हमारा बस फिजिकल रिपोर्टिंग लास्ट स्टेप है, उसके बाद हमारी ओरिएंटेशन है, क्लासेस है, मजे ही मजे, और कुछ नहीं करना। तो ये चीज ध्यान से देख लेना, वो वीडियो जो बताने वाला है उसे सब्सक्राइब करके रख लो, जैसी वीडियो है फटाफट देख लेना, ठीक है, आपके डेडलाइन से पहले फॉर श्योर आ जाएगी, ठीक है। और अब बहुत सारे बच्चे परेशान है कि उनको कुछ अच्छा नहीं मिला,
अभी राउंड 5 तक भी देखेंगे, फिर उसके बाद NITs में तब भी अच्छा नहीं मिला, फिर CSAP में जाएंगे। तो CSAP के लिए पूरा कैसे प्रोसीजर होता है, कैसे काउंसलिंग का शेड्यूल होता है, कैसे आपको CSAP में क्या अप्रोच रखनी चाहिए, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए CSAP के अकॉर्डिंग, वो मैं बताने वाला हूँ। और खासकर अगर आपको राउंड 5 तक भी NIT में कोई सीट मिली, आप CSAP में जाना चाहते हो और अपग्रेड करवानी, तो उसके लिए क्या माइंडसेट रखना चाहिए, आपको कैसे प्रोसीजर होता है, क्या इतनी फीस होती है, किसके लिए क्या होता है, वो सारी चीज़ें पूरा शेड्यूल के साथ मैं बताऊंगा। इसलिए वो वीडियो भी आने वाली है, थोड़ा सा टाइम दो, सारी चीज़ें आ जाएगी। आप बस सब्सक्राइब करके रखो, लाइक कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो कि आपके लिए नई नई वीडियोज़ मैं जल्दी जल्द बनाऊँ। और मुझे कमेंट में लिख देना कुछ भी डाउट हो या फिर आपका फीडबैक हो, आपको कैसे लगे ये भी बता देना। और जो लोग अगर बाकी काउंसलिंग के लिए अपट कर रहे हैं, जैसे जैक दिल्ली या फिर IPU की या फिर UPTech REAP, इन सब के लिए भी सारी अपडेट्स मैं बताता रहता हूँ, जो सा भी सारी अपडेट्स मैं बताता रहता हूँ। इसलिए लाइक सब्सक्राइब करके रखना, कुछ भी आपको वीडियो की डिमांड है वो बता देना, मैं आपके लिए बना दूंगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन बी सेफ, प्रिपेयरिंग एंड अचीविंग गोल्स।